जय हिंद, जय शिक्षक दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमेडो स्टडी। साथियों, आज हम कक्षा 4 की ई पाठशाला के अंतर्गत विभाग द्वारा 15वें हफ्ते में जो सामग्री हमें प्रेषित की गई है उसके बारे में, रजिस्टर कैसे बनाना है उसको देखेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। इससे पहले भी मैंने ई पाठशाला पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। साथियों, तो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में कक्षा 4 के लिए विभाग द्वारा जो 15वें हफ्ते में सामग्री हमको सेंड की गई थी उसके बारे में बता रही हूँ। मैंने अपने रजिस्टर में उसे किस प्रकार मेंटेन किया है। ये हफ्ता 4 जनवरी से 9 जनवरी तक का था। इसमें 4 तारीख को हिंदी का काम, जिसमें हमें भक्ति नीति माधुरी नामक पाठ की लिंक प्रेषित की गई थी। कुछ पेरेंट्स आए, उनको मैंने डायरेक्ट अपने मोबाइल पर दिखाया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको सेंड किया। साथ ही कुछ वर्कशीट्स भी मैंने बनाई हैं इन पाठ से रिलेटेड, तो मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगी, तो आप अंत तक बने रहिएगा। 5 जनवरी को गणित में दशमलव संख्या की अवधारणा को समझाने की कोशिश की है। इसमें भी मैंने व्हाट्सएप पे बच्चों को लिंक शेयर की और जो पेरेंट्स आए उनके साइन भी लिए, उनका मोबाइल नंबर नोट किया और उनको लिंक अपने मोबाइल पर दिखाई। 6 तारीख को अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश में सुनील लर्न्स अ लेसन की लिंक बच्चों को दी। उससे भी संबंधित वर्कशीट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित की, जो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊँगी। 7 को EVS में जीव जंतुओं की उपयोगिता परिवहन एवं कृषि से संबंधित लिंक भेजी और कुछ बच्चे आए, उनके पेरेंट्स आए, तो उनको अपने मोबाइल में मैंने शेयर किया और उनको पाठ भी दिखाया। 8 को हिंदी में भक्ति नीति माधुरी के अंतर्गत फिर से लिंक भेजी और 9 को गणित में दशमलव संख्या की अवधारणा को पुनः मजबूत करने के लिए कुछ सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी, जो कि मैं अभी आपको शो कर सकते हैं कि भक्ति नीति माधुरी में मैंने कबीर के दोहे लिखे हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी उस वर्कशीट में दिए हैं। इस तरह आप भी कुछ वर्कशीट बनाकर बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप की अवधारणा को समझाने के लिए मैंने इस तरह की वर्कशीट तैयार की है। लर्न्स अ लेसन के वर्ड मीनिंग और उसमें एक्सरसाइज मैंने दी है, रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कुछ एडिशनल वर्क भी मैंने दिया था, जैसे कि करेक्ट स्पेलिंग पर सर्किल करने के लिए इन 3 शब्दों में से किस में स्पेलिंग सही है उसको सर्किल करना है बच्चों को। और कुछ बहुवचन लिखने के लिए दिए कि जो सिंगुलर मैंने दिए हैं, जैसे बर्ड, ट्री, किड, प्लांट, सॉन्ग, लेक, इनके बहुवचन बच्चे अपनी कॉपी में लिखे। को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रेषित किया और जो बच्चे आए उनको कॉपी में भी लिख कर दिया। कुछ पेरेंट्स भी आए, उनको भी कॉपी में लिख कर दिया।